मुंबई के भुलेश्वर में स्थित मोटा मंदिर में ट्रस्टी द्वारा हो रहे मिस मैनेजमेंट को लेकर गोस्वामी नीरज कुमार महाराज जी ने मुंबई के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जहां पर उन्होंने मंदिर के ट्रस्टी पर गंभीर आरोप लगाए। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। शोष हो रहे हैं, जाहिर में जय हो श्रीनाथ जी, कृष्णा माय लव, बिरला मातुश्री में शोष हो रहे हैं, तमाम जो है नाम उजागर हो रहे हैं। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप खुद देख लीजिए जाकर। नाम अगर सर बताते हैं तो बेहतर रहेगा, ताकि मोटा मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्ट ऑफिस में जाकर आप नाम पूछ लीजिए, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। आपके साथ अन्य कर्मचारी शामिल हैं? कौन से कर्मचारी? मंदिर के सब दुखी हैं। आपके साथ सहयोग है? सब सहयोग है। आपके हिसाब से अब तक कितने पैसे का जो ये मिस यूज हुआ है, मंदिर में लगना चाहिए था वो मंदिर में नहीं लगा या मंदिर के दूसरे कामों में लगाया, आप क्या अंदाज़? 55 करोड़ का तो एस्टिमेट है सिर्फ मंदिर मंदिर बनाने में, उसके बाद में धर्मशाला, औषधालय, आचार्य निवास, ये सब तो अभी बनाना बाकी है। और जब ऑडिटेड रिपोर्ट्स चैरिटी कमिश्नर के पास में नहीं पहुंची है तो साहब मेरे पास कैसे पहुंच जाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन है कि फंड्स न होने की वजह से मंदिर बनने में लेट हो रहा है? मंदिर के लिए अब फंड्स मांगे जा रहे हैं, शोर्स कर करके जो है फंड्स मांगे जा रहे हैं। अभी आपने बोला टेनेंट्स वगैरह की बातें, तो टेनेंट्स कितने हैं, उनसे कितना इनकमिंग कितना है, आपको कोई जजमेंट है इस बारे में? नहीं जी, ये तो आप ही को खबर निकालनी होगी। हम धर्माचार्य हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। हम ये सब अगर इन्हें हिसाब किताब में पढ़ गए तो हमारा समय जो है, जो वैष्णव को आज जो भी कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस ट्रस्ट के लिए आगे आपकी क्या मांगे हैं? आप वो इस ट्रस्ट के लिए क्या मांगे जो इस काम को जो रुका हुआ है? हमने दो दायर किए हैं, दो मुकदमे दायर किए हैं, चेंजिंग ऑफ स्कीम और ये इन ट्रस्टियों को उतारना, इनको रिजाइन करना चाहिए। और किसी का तो सवाल, क्या लगता है आपको ये दो फाड़ में बट गया है क्या मोटा मंदिर, दो ट्रस्ट? दो फाड़ में मतलब दो ट्रस्ट हो गया है क्या? नहीं, एक ट्रस्ट है। अच्छा, वो कौन है वो बंदा जिसका जो अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहता है? तो बहुत जाहिर है, आप मुझसे नाम क्यों लेवाना चाह रहे हैं महाराज जी? अगर ऐसे मोटा मंदिर ट्रस्ट की ऑफिस आपके लिए सबके लिए खुली हुई है, मिनट का भाषण दिया महाराज जी, लेकिन आपने वो नाम नहीं लिया जो लेना चाहिए था। किसके पिताजी का सपना पूरा हो रहा है ये तो मीडिया में भी आ गया है। नहीं 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 सर, बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है, बताना पड़ेगा ना सर आपको, किनके पिताजी का सपना पूरा हो रहा है सर? आपने सर, आपने किन लोगों के खिलाफ केस किया हुआ है ये तो बताइए, आप इनको तो बता सकते हैं। मोटा मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ, जिसमें इस समय सर ट्रस्ट के खिलाफ आपने नहीं किया है, ट्रस्टी के खिलाफ किया तो जिस समय, इस समय जो है B.R. भट्टर, भगवान दास रामचंद्र भट्टर जो है मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, नवीन बीमा दलाल जो है सॉलिसिटर्स वो ट्रस्टी हैं, दिनेश थानवी हैं और एक जतिन धीरज लाल शाह हैं। और भगवान दास भट्टर जी के पिताजी का सपना पूरा हो रहा है। और कितना दिन लगेगा सपना पूरा? ये तो आप ही जाकर पूछिए साहब, हमको तो उत्तर नहीं मिल रहा है। तो मुख्य मांग आपकी क्या है कि उनके पिताजी का सपना पूरा नहीं किया जाए, या आपके जो वल्लभाचार्य जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार चला जाए, क्या डिस्प्यूट है? मैं नहीं समझा। आपका जो परंपरा है, जो आपका धर्म जो है परंपरा है, उस परंपरा को आप बता रहे जैसा आपने कहा है, तो उस परंपरा के विपरीत काम हो रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? वो परंपरा को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? वो परंपरा तो जीवंत जीवंत रखनी ही होगी हमको, अगर संप्रदाय नहीं है तो हम नहीं है, हम नहीं है तो वैष्णव नहीं है, क्या पूरा मार्ग जो है यानी नष्ट हो जाए? आज मोटा मंदिर ट्रस्ट एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर ये सब चीज पॉसिबल है।
पहले भी आपने कभी इन बातों के खिलाफ आपके समाज आपके जो ये गुरु आगे भी आवाजें उठी हैं, आगे भी इन्हें मीडिया में बहुत कुछ आया है, आप देख लीजिएगा। वो किस्सा अभी ना उठाएं तो ज्यादा अच्छा। 9 साल पहले एंसन बढ़ता था, सन 2000 में जी मैं 2002 में अंशन बैठते आप लोग अंशन पे। हाँ 2002 से लेके 18 चल रहा है। क्या कहा आपने 2000 में अंशन पे बैठे थे? यह आपको मैंने तो नहीं बताया। मैं अनशन पे बैठा था। अब क्या हुआ था वो सब जानते ही है। अब 16 साल हो चुके हैं, अब तक चुप क्यों बैठे आप? 16 years तक चुप क्यों बैठे? 16 साल बैठने के बाद मेरे पास में जो आज पेपर्स हैं, जो आज दस्तावेज हैं, उस समय तक मेरे पास में इतने दस्तावेज नहीं थे। मुझे जुटाने में समय लगा है और समय लगते आज जो है इस मुकाम पे आ गया हूँ मैं कि जो मैं आपको खुल के कह सक रहा हूँ। आप मोटा मंदिर के लिए ज्यादा कंसर्न है या अपनी कम्युनिटी के लिए ज्यादा कंसर्न? ये सब साथ में चलता है, ये अलग नहीं की जा सकती है। जैसे वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ मोटा मंदिर है, मोटा मंदिर से जुड़े हुए हम हैं, हमसे जुड़ा हुआ हमारा समाज है, तो ये तो चेन ऑफ एक्शन है, ये इसको अलग नहीं किया जा सकता। ट्रस्टी रीजन को चेंज करने में कुछ काम कर रहे हैं या वो प्रॉपर पूरी तरह ट्रस्ट को तबाह कर रहे हैं आपके साथ? ट्रस्ट तो तबाह हो ही रहा है साहब, आप खुद देख रहे हैं, तब तो हमको आज आपके सामने आना पड़ा है। ये सब जो है चैरिटी कमिश्नर में हमने ऑलरेडी कह दिया है और इन्हें जो है किस तरह से 18-18 सालों तक बैठ रहे हैं ये लोग एक एक सीट पर, वो भी सब उसमें क्लियर है। एज द प्रोसीडिंग्स को हम आपको बताते रहेंगे, हम आपको इन्हें प्रोसीडिंग्स के बारे में अवगत कराते रहेंगे। हर 5 साल में जो ट्रस्ट का चुनाव होता है 5 साल के बाद चेंज किया जाता है। देखिए ऐसा है ना कि ये थोड़ा सब्जेक्टाइज मैटर होने के कारण बहुत सारी बातों का तो मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा आज। हाँ जी, थैंक यू।